नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्टेट पर। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मेरे जो वीडियोस है, जो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये प्यार देख के। आप लोगों की जो भी मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, वो हेल्प करके आपको जो आपके सपनों का मकान जो दिखा पा रहा हूँ उनको दिखा के, और आपकी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करके। लेकिन कुछ मुझे ऐसा चीज़ लगी जो मुझे आज लगा कि आज मुझे आपके लिए अलग से इसके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। जैसे कि बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत लोगों ने मेरे पास कॉल किया, बहुत लोगों के कमेंट में भी आए कि भैया हम आपका, मैं स्पेशली प्लॉट के बारे में बात करूंगा अभी, क्योंकि हाउसिंग साइड का एक अलग मैटर होता है कि भैया हम आपका प्लॉट क्यों लें। हमारे जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, प्लॉटिंग साइट मेरी लालकुआ से दादरी के बीच में है, तो हम आपका प्लॉट क्यों लें, जब क्योंकि आपका 10,000 रुपये गज का प्लॉट है और आप वहीं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं नोएडा के आसपास किसी शहर में रहता हूँ और वहीं मेरे पास में ही थोड़ी सी दूर तकरीबन 8-7-6 हज़ार रुपये गज का प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो मैं आपका क्यों लूँ। भैया सवाल आपका जायज़ है, ये जो सवाल है आपका बिल्कुल जायज़ है कि आप मेरी प्रॉपर्टी क्यों लें, बल्कि आपको जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ सस्ती मिल रही है। लेकिन मैटर ये करता है नोएडा, नोएडा जैसी सिटी में अगर आपको 6-7 हज़ार रुपये वाली जगह मिल रही है, प्रॉपर्टी मिल रही है, इतने में मिल रही है, और वहीं अगर आसपास की ही देखा जाए 50 फीट दूरी पर ही अगर वही प्रॉपर्टी 90,000 रुपये 80,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आपका क्या सोचना नहीं बनता है कि क्यों। मैं, मेरा काम फ्री होल्ड का काम है, मैं वही प्रॉपर्टी आपको 10,000 रुपये गज पे दे रहा हूँ, मिनिमम हमारे पास में जो है 10,000 रुपये गज की प्रॉपर्टी है और फ्री होल्ड में है, और आप वहाँ सेक्टर में रहने के बाद में, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आसपास की ही बात है, एक कल परसों एक भैया का फ़ोन आया मेरे पास में, वो बोल रहे हैं कि जो गौर चौक है, गौर चौक से पहले की तरफ में, पहले थोड़ा सा हिंडन क्रॉस करते के साथ में, बोल रहा है कि मुझे यहाँ पे बहुत सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। बिल्कुल मिल जाएगी। अब फ्रॉड, एक शब्द आता है फ्रॉड, फ्रॉड कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का लालच होता है। इसमें किसी का कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, मेरा कुछ नहीं जुड़ा होगा, उन लोगों का कुछ नहीं जुड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का लालच जुड़ा होता है। अब आपका लालच है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, हमेशा से सुनते आ रहे लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। क्यों है बुरी बला है? यही तो है वो मैटर। अगर लालच है तो वहां बुरा तो कुछ ना कुछ होना है, ये बशर्ते मैं आपसे कहता हूं। अब इससे बच्चा क्यों जाए और मेरी प्रॉपर्टी महंगी क्यों है, इसका जवाब भी मैं दूंगा लास्ट में। आप, हो सकता है देने की जरूरत ना पड़ी जाए, आपको मिल जाएगा जवाब। चीजें जब आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेने जाए या कोई भी खरीदे, मैं ये नहीं कहता हूं मुझसे खरीदिए, आप किसी से भी खरीदते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। जैसे कि कल परसों मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, उनका कहना था कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है और प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्होंने जब रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री भी हुई उनकी, लेकिन जब उनको बनाने के लिए वो गए और पोजीशन देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रॉपर्टी पे कहीं और कोई और लोगों ने बनाया हुआ है और उन्हें जो प्लॉट दिया गया है वो थोड़ा सा हट के दिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशंस जो होती है, इस तरह की जो सिचुएशंस क्रिएट होती है, इससे कैसे बचा जाए, और जो प्रॉपर्टी सस्ती और महंगी में इतना फ़र्क क्यों हो और क्यों इतना डिफरेंस है उनमें, उसको समझा जाए। तो पहली चीज़ जो उनका, मैं उनके जो मेरे जो मित्र हैं उनका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। सबसे पहले चीज़, आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है कि उसके पेपर्स क्या क्या है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, वो प्रॉपर्टी आपको देने वाला व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति आपको दे रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। जो व्यक्ति, आप जैसे ही मैं हूँ, मेरी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो बिल्कुल आपका ये पूरा अधिकार है, आप मेरे बारे में जानना चाहिए आपको कि मैंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, मैंने कितने प्रोजेक्ट मैंने और चल रहे हैं, मेरा क्या बैकग्राउंड रहा है, मेरा सेटिस्फिकेशन, कस्टमर सेटिस्फिकेशन स्कोर क्या है मार्केट में, आसपास में जानना चाहिए भी आपको। जिंदगी भर की पूंजी लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाए मुंह उठाए और चल दिए, जानना चाहिए आपको। अब आते हैं उसी मुद्दे पे,
जो आपका सेलर है, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके बारे में जानिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं भी हूं, कोई भी हो, आपको प्रॉपर्टी का पेपर सही देगा ही देगा, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी की पेपर दे रहा है ये आपको नहीं मालूम है। जैसे कि प्रॉपर्टी के पेपर क्या क्या होते हैं, हम सबसे पहले आपको देते हैं खतौनी। आपको खतौनी या जिसे बोलते हैं मोटिशन, दाखिल खारिज पेपर, वो होते हैं। दूसरा, आपको रजिस्ट्री भी दिखाएंगे, लेकिन मैटर करता है कि हम क्या, अब ये आप दिखाते हो जाके तहसील में, कचहरी में, कोर्ट में, आप चेक कराते हो तो प्रॉपर्टी के पेपर तो सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी जेन्युइन है। मैटर उसका हम लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे अभी, हम कोई LMC या ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो खतौनी के उसमें आता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। प्रॉपर्टी सही है, लेकिन प्रॉपर्टी के किस प्रॉपर्टी को पेपर चेक कर रहे हैं वो ना तो आपको पता है ना उनको पता है कि भाई आप किस प्रॉपर्टी में लेने वाले हैं। अब आप जब चेक कराने जाएंगे तो वो तो यही सोचेंगे ना, ये बंदा यहाँ चेक करा रहा है तो शायद यहीं ले रहा है, लेकिन वो पेपर किस प्रॉपर्टी के हैं। उसे चेक करने के लिए आपको दो चीज़ों पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। पहले ही जहाँ आप विजिट कर रहे हैं उसके आसपास का, बिल्कुल आसपास में क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा, और उसे कंफर्म करने के लिए होता है सिजरा। ये वो सरकारी मैप है, या सरकारी एक तरीके से देखा जाए तो पूरा सब कुछ जो सरकारी मैप होता है, या मैप का नाम क्या बोलते हैं, सरकारी नक्शा है, जहाँ सब कुछ लगा होता है। ये इसमें आपका 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी सब चीज़ें मौजूद होती है। चकबंदी कभी अगर उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई चकबंदी भी हुई है तो कुआ, पीपल के पेड़, मंदिर, मस्जिद, नहर, नालियाँ, भरा जानते हैं, छोटी सी नालियाँ होती है सिंचाई वाली, सारी चीज़, LMC सब कुछ मेंशन होता है इसमें। और उसी में लिखा होते हैं नंबर्स, लिखे होते हैं, उन नंबर्स को बोला जाता है खसरा संख्या। ये वो प्रॉपर्टी के वो परमानेंट अकाउंट नंबर है, जैसे हमारा पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, तो ये प्रॉपर्टी का परमानेंट नंबर होता है। इस नंबर से प्रॉपर्टी पहचानी जाती है। तो जो जहां प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है, जिसकी खतौनी आपको दी गई है, और सिजरा में वो मैच हो रही है या नहीं, और जो सिजरा में आपको दिखाया जाता है, सिजरा जरूर देखें, सिजरा जो आपको दिखाया जाता है क्या आसपास भी उसी की वो चीजें हैं, पेड़ वेड़ नहीं हो, मे बी पॉसिबल ना हो, लेकिन कुआ, नहर, बहरा, नालिया, ये सारी चीजें मेंशन होती है उसमें, ठीक है। तो आपको ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। अब आते हैं फर्दर कि ये जो नंबर है, खतौनी है, ये खतौनी क्या होती है। खतौनी एक वो कागज है जो किसी भी प्रॉपर्टी के एक तरीके से क्वालिटी पेपर होता है ना, क्वालिटी सर्टिफिकेट होता है, वो है। ये आपका लेके 20 साल, 15 साल, सर्च रिपोर्ट जो भी बोलते हैं आपका 12 साल, ये पूरा हिस्ट्री बताती है इस प्रॉपर्टी के मूल धारक कौन है, इस प्रॉपर्टी के आपके जो मेन ऑनर है वो कौन है, उनसे किसने लिया, उसके बाद कितनी इसमें रजिस्ट्रियाँ हुई है, टोटल एरिया कितना है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, एक खाता संख्या में मल्टीपल मोटेशंस होती हैं, मतलब एक खाता संख्या में मल्टीपल खसरा संख्या होती है, और एक खसरा संख्या में मल्टीपल खाता संख्या होती है। अब खाता संख्या सेम, ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग से देखे जाए तो सरकारी वो खाता होता है, वो नंबर होता है जो एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है। अब मेरे नाम पे अलग अलग जगह ज़मीनें हो सकती है, तो यानी कि अलग अलग खसरे हैं, और अलग 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 मतलब एक ही खसरे में अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं, अलग अलग खाता संख्या हो सकती है। तो अब जैसे आपने कहीं प्रॉपर्टी ली तो आपका जो खाता संख्या है वो उसमें लग गया, तो कहीं और भी है, तो खतौनी से ये पता चलेगा कि आप उसमें कितना एरिया और कितनी आपको प्रॉपर्टी आपकी सोल्ड हो गई और कितनी बची हुई है। तो इसमें जो सिंगल यूनिट मल्टीपल सेल वाला जो फ्रॉड होता है उससे आप बच सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, फेथ करना अच्छी बात है, लेकिन आँख बंद करके नहीं, जागरूक बन के। जागरूक बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िंदगी भर की मेहनत आप एक जगह लगा रहे हैं आप, और सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्लान कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी किस लिए चाहिए, आप रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आपका प्लान आज से नहीं, सर्च कीजिए
मेरी प्रॉपर्टी जैसे अगर आप लोकेशन पे आसपास देखते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं काम करता हूँ छपरौला से आपका छपरौला के आसपास या फिर दादरी बाईपास के आसपास मैं काम करता हूँ, आप मेरे पास आते हैं तो मेरे पास आइए देखिए, लेकिन आसपास भी देखिए, सारी चीज़ें हैं और कंपैरिजन करना भी ज़रूरी होता है। और फिर ये भी देखिए कि अगर किसी का महंगा है तो क्यों महंगा है, किसी का सस्ता है तो क्यों सस्ता है। जो प्रॉपर्टी आपकी सही होती है, आप आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछिए उस बंदे से कि भैया क्या है क्या नहीं है, जो भी अगर कोई सवाल आ रहा है, सवाल पूछना वाजिब होना चाहिए, सवाल पूछना ज़रूरी होना चाहिए, सवाल बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और अगले की जो जवाबदेही है या जो जवाब दे रहा है वो किस स्पष्टता से दे रहा है, क्लैरिफिक वो कितनी क्लैरिटी से दे रहा है, वो भी ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, बेचने वाला भी और बेचने मतलब खरीदने वाला भी, लेकिन इनके बीच के जो रिलेशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं। और रिलेशंस कैसे क्रिएट होते हैं, कि आपका लालच ना हो, आपका लालच ना हो और मेरा, मैं ईमानदार हूँ। अब ये चीज़ें कब पॉसिबल है, तब आप जागरूक होंगे। धन्यवाद। आगे चल के इसी तरह से मैं आपको बाकी की वीडियोस में थोड़ी थोड़ी नॉलेज देता रहूँगा। बाकी क्या क्या पेपर चाहिए होते हैं, क्या क्या नहीं चाहिए होते हैं, सारी चीज़ें जो होती है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी एक बार और बता देता हूँ, आपको रजिस्ट्री, ओरिजिनल रजिस्ट्री चेक कराएं, दाखिला खारिज देखें, उसके बाद में सिजरा देखें, और अगर पर्टिकुलर आप कहीं ऐसी जगह देख रहे हैं तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि 143 है या नहीं है। 143 सिर्फ और सिर्फ फ्री होम, सॉरी, उसके लिए चाहिए होता है अप्रूव कॉलोनी के लिए, ठीक है। कराने के लिए तो आप भी करा सकते हैं, उसका स्टाम्प ड्यूटी बढ़ जाती है। 143 का मतलब होता है कि आप किसी कर्षक ज़मीन को आकर्षक बता रहे हैं, यानी कि बंजर बता रहे हैं, फिर उसका लैंड यूज़ चेंज कर रहे हैं, कमर्शियल और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होती है, मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज, रजिस्ट्री यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद में आपका सिजरा। सिजरा, जी हाँ, सिजरा, सिजरा बहुत ज़रूरी होता है। बाकी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपने प्यार के लिए, अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप से आपके नॉलेज वीडियो में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैं आपको डालता रहूं और आपके लिए एक प्रॉपर्टी, बेटर से बेटर प्रॉपर्टी भी लाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, कि ताकि आपके कोई चाहने वाले आप किसी तरह के प्रॉपर्टी झंझट या फ्रॉड में ना फंसे। आप मेरे से ना लें, मैं नहीं कहता हूँ मुझसे लें या मेरे किसी जानने वाले से लें या जो मैं दिखा रहा हूँ उसको लें, मैं बिल्कुल भी उस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता। आप जहाँ चाहें वहाँ लें, लेकिन हो सकता है कि लेने से पहले एक सलाह ज़रूर लें कि मैं ये प्रॉपर्टी लूँ या ना लूँ, इसके साथ ये सारी सिचुएशंस हैं और ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं आता। मैं उसके, क्योंकि हम लोग उसका कोई चार्ज नहीं करते हैं कि चार्ज कर दें। कंसल्टेशन ज़रूरी होता है, कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। बोलते हैं ना, आदमी जब डिप्रेस होता है तो बात कर ले तो दिल हल्का हो जाए, तो वही चीज़ है कि बात कर लेंगे तो हो सकता है आने वाला खतरा कम हो जाए। धन्यवाद। मैं अमित, आपके अपने YouTube चैनल माइनस स्टेट पर।